तो पार्सल डिलीवरी भी जब आप काम करने लगोगे 10-12 बाइक टैक्सी की राइड या फिर फूड कर लोगे तो उसके बाद पार्सल का भी आपका एक्टिव दिखाने लग जाएगा। इसको फ्री में उपयोग करें, इसके कोई पैसे जमा नहीं करने। वही रैपिडो का ये फर्स्ट पार्सल हमने कैफे कॉफी डे से पिक किया है कीर्तिनगर की शाखा से, और उसको द्वारका वाली शाखा में लेके जाना है। रैपिडो का मैंने अभी ये पार्सल ड्रॉप कर दिया, 12 किलोमीटर के 168 रुपए हमने कस्टमर से कैश कलेक्ट कर लिया। हेलो गुरबानी, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी, और उज की हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज है फ्राइडे और आज हम करेंगे रैपिडो पार्सल डिलीवरी। जी हाँ, हमारा रैपिडो की पार्सल डिलीवरी एक्टिव हो चुकी है, और आप कैसे एक्टिव करोगे तो मैं बता दूंगा। रैपिडो में देखेंगे कि पार्सल डिलीवरी पे कितने पैसे दे रहा है किलोमीटर के हिसाब से, कितनी क्या आज हमारी अर्निंग होगी, और साथ ही साथ अपन पोर्टर और ऊबर भी करेंगे। एक बार मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ रैपिडो पार्सल कैसे एक्टिव करते हैं, फिर उसके बाद अपन लॉग इन करेंगे और बाहर निकल के दिखाते हैं आपको हमारा फर्स्ट पार्सल कितनी देर में आता है। देखो, रैपिडो ऐप खोल ली हमने, जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो मैंने देखो 18 ऑर्डर कर रखे हैं, तो आपको 3 ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं तब आप अपनी फूड डिलीवरी ऑन करा सकते हो। देखो, मैं दिखाता हूँ मेरा सर्विस मैनेजर में जाके मेरी फूड डिलीवरी ऑन हो चुकी है। इसके लिए मैंने 300 रुपये पे किए थे और इंसेंटिव मुझे 400 मिलेगा जब मैं 60 डिलीवरी कंप्लीट कर लूंगा। तो अभी मेरी 45 रह रही हैं, 45 दिन में 45 करनी है वो हो जाएंगी। और उसके अलावा जो ये है पार्सल डिलीवरी का, तो पार्सल डिलीवरी भी जब आप काम करने लगोगे 10-12 बाइक टैक्सी की राइड या फिर फूड कर लोगे तो उसके बाद पार्सल का भी आपका एक्टिव दिखाने लग जाएगा। इसको फ्री में उपयोग करें, इसके कोई पैसे जमा नहीं करने। फूड के हमने 300 रुपये जमा किए थे, तो ये ग्रोसरी वाला जैसे भी स्टार्ट हो जाएगा तो अपन इसको एक्टिव करके इसमें भी काम करेंगे। तो आज अपना फोकस रहेगा पार्सल डिलीवरी पर। तो रैपिडो में देखेंगे हम पार्सल डिलीवरी में क्या रेट दे रहा है। तो लॉग इन आ जाते हैं, 12:20 हो रहे हैं, हम रैपिडो में लॉग इन आ चुके हैं। रैपिडो के साथ साथ अपन ऊबर और पोर्टर में भी ऑनलाइन आ जाते हैं, तो ये हमारा ऊबर का लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि भाई अभी पता नहीं है रैपिडो में कब तक काम देगा, और अपन टाइम खराब नहीं कर रहा भाई, काम कर रहे हैं कंटिन्यू। ऑर्डर जैसे ही आएगा अपन घर से निकल लेंगे। हमारा पोर्टर भैया कहाँ है? पार्सल के लिए पोर्टर से बढ़िया कोई नहीं है, बाइक टैक्सी के लिए ऊबर से बढ़िया फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चार्ज ले नहीं रहा ऊबर। तो ये रहा पोर्टर, पोर्टर में भी लॉगिन कर लेते हैं। भाई काफ़ी दिन से मैंने ये बाइक टैक्सी और पार्सल का काम नहीं किया है, ये तो बिल्कुल मीम पेज बन गया पोर्टर। तो आपके आसपास बहुत सारे भाड़े मौजूद हैं, कृपया जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आए, भाड़े करके अपनी कमाई बढ़ाएं। पोर्टर ओके भाई बोल रहा है, भाई पोर्टर बोल रहा है बहुत सारा काम है आपके आसपास। तो पोर्टर में लॉगिन आ चुके हैं हम, तो देखते हैं हमारा रैपिडो ऊबर और पोर्टर में से फर्स्ट राइड या पार्सल किस में आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई दिन की शुरुआत हुई है पोर्टर के ये पार्सल के साथ, उसको 6 किलोमीटर दूर लेके जाना है, चलो उसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। पोर्टर का जो मैं पार्सल लेके आया था वो पिकअप ड्रॉप मिला के 6 किलोमीटर का था, मैंने यहाँ पे बालीनगर में ड्रॉप किया, उसके हमें 85 रुपये मिल गए 6 किलोमीटर के, सही पैसे मिल गए। उसके बाद मेरे पास पोर्टर पे एक राइड है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 35 रुपये मिले हमें इस राइड में, 3 किलोमीटर की थी। पोर्टर का ये सेकंड पार्सल पिक कर लिया है, ये रजौरी गार्डन से सराय रोहिला लेके जा रहा हूँ, 8 किलोमीटर का है। और इसके साथ ही ऊबर में भी मैंने सेट डायरेक्शन लगा दिया है सराय रोहिला का, तो कोई राइड मिलेगी तो वो भी अपन लेके चलेंगे। दिल्ली सराय रोहिला आ गया मैं, मेरा पोर्टर का सेकंड पार्सल अभी मैंने कंप्लीट कराया पिकअप ड्रॉप मिला के, 10 किलोमीटर के हमें 127 रुपये मिल गए। और अभी अभी मेरे पास ऊबर में, यार ये बिल्डिंग बहुत बड़ी दिख रही है मेरे को यहाँ से, ऊबर में मैंने एक छोटी सी राइड की है, क्योंकि ऊबर की 5 ट्रिप कंप्लीट करके 60 रुपये इंसेंटिव लेना है, तो इसलिए ऊबर की मैंने एक छोटी सी राइड पिक करी है, उसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद रैपिडो में कोई अगर पार्सल आएगा तो उसका रेट अपन को तभी पता लगेगा, रैपिडो में तो कुछ आ ही नहीं रहा यार हमारे पास। ऊबर की राइड कंप्लीट करते हैं पहले। ऊबर की सेकंड राइड मैंने कंप्लीट कर दी, 26 रुपये मिले, 28 दिखा रहा था 5% टैक्स काटने के बाद, 26-26.5 रुपये मिले हैं। और इसी बीच मेरे पास ऊबर की फोर्थ राइड भी आ गई थी, मैंने पिक भी कर ली थी, 3 किलोमीटर की थी, बट मेरे पास पोर्टर में एक राइड बजी तो पीतमपुरा की थी, लोकेशन पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उसको पिक कर लिया है, सराय रोहिला घूम रहा हूं अभी तो फिलहाल। फिर मैंने ऊबर वाली कैंसिल करी, क्योंकि 3 किलोमीटर के कितने रुपए देगा वो, 34-35 रुपये दिखा रहा था। पोर्टर के करेंगे भाई, पोर्टर अच्छे पैसे देता है, 100-125 रुपये दिखा रहा था, तो पोर्टर का थर्ड पार्सल पिक करने चलते हैं फटाफट। पोर्टर का ये थर्ड पार्सल है, 10-15 किलो का ही है, ज़्यादा किलो का नहीं है, होता 20 किलो के ऊपर तो कैंसिल करा देते, 20 किलो तक ही अलाउ है पोर्टर में, तो इसको पिक कर लिया है, सराय रोहिला से लेके जाना है पीतमपुरा, 6 किलोमीटर ही दिखा रहे हैं यहाँ से, चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। मोतीनगर आ गए हम, पोर्टर का आज का हमारा थर्ड पार्सल कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 7 किलोमीटर के हमें 110 रुपये मिल गए, आधा घंटा भी नहीं लगा होगा यार इसको कंप्लीट करने में। तो पोर्टर में यार पैसे बहुत अच्छे देता है, मतलब 10 रुपये से तो ऊपर पड़ता ही है छोटे पार्सलों में, जो बड़े बड़े होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब उनमें पैसे भी कम देता है,
तो मोती नगर आ गया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट उबर पोर्टर रैपिडो में किस में पार्सल आता है। रैपिडो भी ऑन कर लिया, बंद कर दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। 4:45 हो रहे हैं उबर की, मैं अभी थर्ड राइड लेके आया हूँ पिकअप ड्रॉप में लाके। 5 किलोमीटर के मैंने अभी 40 रुपये लिए हैं कस्टमर से, हमें कितने मिले हैं यार, ज़्यादा मिलने चाहिए। 40 कस्टमर से लिए हैं और हमें कितने मिले हैं भाई, दिखा जल्दी से कितने दिए हैं हमको। 44 रुपये दे दिए। 4.3 किलोमीटर तो ड्रॉप था और पिकअप था आधा किलोमीटर, वही 5 किलोमीटर, ठीक है 44 रुपये दे दिए। 40 मैंने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है और ऊबर में मैंने यार बहुत सारी मिस कर दी, जो कि सारी मिस हो रखी हैं। 60-60 मिनट का डिले लगा रखा है इसमें ऊबर पोर्टर ने यार, नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं क्योंकि 3-3 ऐप चला रहा हूँ ना, पोर्टर, ऊबर, रैपिडो। रैपिडो में तो आज मैंने खाता भी नहीं खोला, एक भी राइड नहीं की, लेकिन रैपिडो में मेरी अर्निंग हो गई 150 रुपये की। वो कैसे हो गई, क्योंकि मैंने रेफ़र कर रखा था, रेफ़र के मिल गए मुझे 150 रुपये, रेफ़र के मिले हैं 150 रुपये, तो 150 रुपये की कमाई मान लो हमारी। पोर्टर मैंने 2 राइड पिक करी थी, एक ने आधा घंटा खराब करके कैंसिल करी, फिर देखो गुडविल लिए मैंने पोर्टर में। कि ऊबर में मेरी हुई है कितनी राइड हो गई, ऊबर में 3 राइड हो गई हमारी, 2 राइड और करनी है तो हमारा ये वाला इंसेंटिव पूरा हो जाएगा। तो 2 राइड करेंगे ऊबर में, रैपिडो में जो आएगा करेंगे, बाकी पोर्टर में करेंगे जो भी आएगा। चलो यही अभी तक का अपडेट, दिखाता हूँ हमारी नेक्स्ट पोर्टर की राइड पार्सल कितनी देर में आता है। ऊबर की ये 4th राइड मैंने कंप्लीट किया, लिली मैम को छोड़ा है भाई पोर्टर जी ने, दे मुझे 28 रुपये लिए, इसमें हमें मिल जाएंगे 25.5 रुपये। और इसी बीच मेरे पास रैपिडो में एक पार्सल आया था शायद, उसको पिक करने चलते हैं। पिकअप लोकेशन कितना है, पार्सल ही आ रखा है, हाँ 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। चलो इसी राइड, इसी साइड आ रहा था मैं इस राइड को भी लेके, एक बार देखूँ इसमें पार्सल में कैसे शो कर रहा है। द्वारका का था ये खाली, अभी तो पिकअप पैकेज लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, पैकेज बना हुआ आ रहा है, यानी कि पार्सल है। इसकी लोकेशन पर पहुँचते हैं फटाफट, पिक करके देखते हैं इस पहले रैपिडो के पार्सल में है क्या। और 2 किलोमीटर का पिकअप, ड्रॉप ही शायद 10-12 किलोमीटर का, 11 का था, तो इसमें आज पता लगेगा कितने रुपए देगा हमें रैपिडो। भाई पार्सल वाले में ऐसे सोचता है, देखो पैकेज लिखा हुआ है, इस आदेश के लिए OTP आवश्यकता होती है। अच्छा OTP लेना पड़ेगा, प्लीज़ कलेक्ट कैश एट दी एंड ऑफ द डिलीवरी, लास्ट में जब डिलीवरी देनी है तब वहाँ से कैश कलेक्ट करना है। तो मैंने अभी ये कैफ़े कॉफ़ी डे पर ही आ गया हूँ, ऑर्डर भी रेडी हो रहा है, फूड का ऑर्डर टिक मार्क करना है, फोटो देनी है और फिर सबमिट करना है, तो अभी तो ऑर्डर रेडी हो रहा है हमारा। वही रैपिडो का ये फर्स्ट पार्सल हमने कैफ़े कॉफ़ी डे से पिक किया है, कीर्तिनगर की शाखा से, और उसको द्वारका वाली शाखा में लेके जाना है, 12 किलोमीटर का है, चलते इसको फटाफट से ड्रॉप करते हैं। रैपिडो का पार्सल मैं लेके जा रहा हूँ द्वारका, तो मैंने ऊबर में द्वारका का गो टू होम लगा रखा था, तो द्वारका की एक मेरे पास अभी राइड आई है ऊबर में, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो राइड भी लेके चलेंगे यार, द्वारका की राइड कंप्लीट करेंगे फिर पार्सल देने चलेंगे द्वारका की द्वारका में, तो ये सही काम हो जाएगा। और इसी राइड के साथ मेरी 5 राइड भी ऊबर की कंप्लीट हो जाएंगे, इंसेंटिव पूरा हो जाएगा, और द्वारका तो हम जा ही रहे हैं ये वाला पार्सल लेके रैपिडो का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, रैपिडो के पार्सल के साथ ऊबर की राइड कंप्लीट करेंगे। तो पिकअप लोकेशन भी देखो, राइडर चल के आ रहा है, दिखता है इसमें, ये चल चल गली से बाहर आ रहा है, मैं भी बस रेड लाइट हो रही है, रेड लाइट से पहुंचूंगा, वो गली से निकल के बाहर आएगा, तो इसको उठा के ले चलते हैं द्वारका। द्वारका में करण जी को मैंने अभी छोड़ा है, इसको 5 स्टार दे दिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से मेरा रैपिडो वाला पार्सल कितनी दूर रहा है। तो देखो रैपिडो वाला हमारा बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर, ये 1.25 किलोमीटर, तो अब रैपिडो वाला ड्रॉप करते हैं फटाफट और फिर देखते हैं रैपिडो में पार्सल में कितने रुपए मिलते हैं हमें। रैपिडो का मैंने अभी ये पार्सल ड्रॉप कर दिया, 12 किलोमीटर के 168 रुपये हमने कस्टमर से कैश कलेक्ट कर लिया, हमें कितने मिलते हैं, इसका प्लेटफॉर्म चार्ज भी कटेगा कि ड्रॉप करके देखते हैं एक बार। रैपिडो का पार्सल जब पिक किया था, जब वो OTP दिया था और अब ड्रॉप कर रहा हूँ तो OTP मांग रहा है, तो OTP लेके तभी ड्रॉप होगा यार ये। कस्टमर से OTP डालने के बाद अब आ रहा है कैश कलेक्ट या स्कैनर दे, मैंने कैश ले लिया कस्टमर से, लो भाई 168 रुपये, लगभग 170 रुपये हमें कितने मिलते हैं यार कस्टमर को, तो हम 5 स्टार देते हैं, लो भाई सारे 5 स्टार ले लो, ले पूर्ण हुआ, हमें कितने रुपये मिलेंगे अभी देखते हैं इनका कमीशन हटाने के बाद हमें क्या दे रहा है ये। अरे वाह ये देखो हमें मिले हैं इसमें 40 रुपये, क्या था टाइम फेयर 40 रुपये मिला है, टोटल 33 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज कट गया रैपिडो का एक, और हमें जो मिला है 127 रुपये। रैपिडो के पार्सल में हमें मिले हैं पिकअप ड्रॉप मिला के 13 किलोमीटर के 138 रुपये, यानी 140 मान लो, तो भाई बहुत सही है, 10 रुपये 11 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रैपिडो दे रहा है पार्सल पे, तो रैपिडो भी पार्सल पे पैसे अच्छे दे रहा है। और जो ऊबर की मैंने लास्ट राइड कंप्लीट करी थी 7 किलोमीटर के में 66 रुपये मिल गए, और इसी के साथ हमारा इंसेंटिव भी कंप्लीट हो गया 5 टिप वाला, तो हमारी टोटल 250 रुपये की अर्निंग ऊबर के साथ भी हो गई,
अब तीन और करेंगे तो 50 रुपये मिल जाएंगे। अब 6 बज रहे हैं। अब देखो ऊबर रैपिडो पोर्टर सब कुछ ऑन है हमारा। द्वारका से अधिकतर काम इन फील्ड में नहीं मिलता, फूड में द्वारका में काम ज़्यादा है, लेकिन बाइक टैक्सी वगैरह पार्सल का काम द्वारका में इतना ज़्यादा नहीं है। पोर्टर में पार्सल आ रहा है नेहरू प्लेस। भाई नेहरू प्लेस नहीं जाएंगे हम इतनी लेट इस टाइम नेहरू प्लेस। और 276 रुपये का ना लगभग 25 किलोमीटर का होगा। द्वारका सेक्टर 11 से आ रहा है, पास से ही है, लेकिन यार मैं नहीं ले रहा, दूर नहीं जाना, अपने जोन में है, जोन कहीं आएगा तो ही लेंगे, दूर नहीं भागेंगे क्योंकि वापसी आने में दिक्कत हो जाती है, दूर चले जाते हैं तो इसको हम मिस कर देंगे। वैसे काफ़ी मिस हो गए, तो ये भी मिस सही, अभी दिखाता हूँ ये मिस होने के बाद कितने मिस हुए आज मेरे। पोर्टर में काफ़ी मिस हुए हैं, लेकिन ये पोर्टर ऊबर में काम करो तो मज़ा आता है काम करने में, कभी पोर्टर में कभी ऊबर में बैक टू बैक चलता ही रहता है, फ्री नहीं बैठते यार। और मेरे जोन में तो काम अच्छा है इन दोनों ऐप्स के साथ। तो हमारा देखो एक और मिस हो गया, 1500 रुपये का काम मिस कर चुका हूँ, और ये 200 का और 1700 रुपये के ऑर्डर मिस कर दिए मैंने, 7 और 1 8 ऑर्डर मिस हो जाएंगे। टाइमर देखो 173, अब इसके बाद और बढ़ जाएगा, ये 200 मिनट का टाइमर लग गया, यानी कि 20 सेकंड से पहले 200 मिनट तक मैं पार्सल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगा। ओहो ये क्या दे रहा है, बाइक टैक्सी सुभाष पार्क उत्तम नगर, कौन जाएगा बाबा, अपन नहीं जाएंगे उत्तम नगर। ऊबर में आए तो फिर भी सोच सकता हूँ, क्योंकि 3 ट्रिप के बाद इंसेंटिव मिलेगा हमें ऊबर में, तो ऊबर में करने का फ़ायदा है, 3 ट्रिप के बाद 50 रुपये इंसेंटिव है, बाकी रैपिडो में फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं। इंसेंटिव तो इसका भी चल रहा होगा, रोज़ का इंसेंटिव चल रहा है, ये वाला इंसेंटिव चल रहा है 6 से 8 के बीच में अगर राइड करते हो तो 2 राइड पे 18 रुपये, 4 पे 22 रुपये, तो 3 पे 50 लेंगे ना हम ऊबर के साथ करके। और ऊबर में प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लगा, इसको तो रैपिडो को 22% तो प्लेटफॉर्म चार्ज ही देना पड़ेगा हमें। रैपिडो में फूड डिलीवरी ऑन करी थी मैंने, देखो पिकअप कितने का है, 2 और 4 किलोमीटर का ड्रॉप है, 4, 5, 6, 6.5 किलोमीटर के 47 रुपये, कौन करेगा भाई इतने में, रहने दो भाई जाओ तुम जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। फूड से अच्छा है रैपिडो का पार्सल है, बाइक टैक्सी में प्लेटफॉर्म चार्ज है तो वो करने का फ़ायदा नहीं है। तो रैपिडो में तो अगर पार्सल आता है तो करो, नहीं तो ऊबर, बाइक टैक्सी करनी है तो ऊबर, फूड करना है तो जोमेटो, और पार्सल करना है तो अपना पोर्टर जिंदाबाद। तो इन सब के ऐप के साथ इस तरीके से काम करोगे तो अर्निंग ठीक ठाक कर लोगे, नहीं तो बस कंपनियों के लिए ही मेहनत करते रह जाओगे। 12:30 के आसपास हमने काम स्टार्ट किया था और अब 6:15 हो रहे हैं, मुझे शाम को कहीं जाना है, तो अब अपन ज़्यादा काम नहीं करेंगे, अब अपन सारी ऐप में लगाते हैं, गो टू होम सारी में तो लगेगा नहीं, रैपिडो में लग जाएगा और ऊबर में लग जाएगा। तो देखो माई होम रूट बुकिंग, रूट बुकिंग कर दी, हाँ भाई हमें घर की तरफ की राइड दो, तो ये तो लग गया रैपिडो में, अब ऊबर में और लगा देते हैं। ऊबर में यहाँ से लगता है, सर्च बार में जाके सेट डायरेक्शन होम करते ही ये ले सेट डायरेक्शन हो गया, ऊबर में भी लग गया, रैपिडो में भी लग गया। पोर्टर में कोई आएगा तो आसपास का ले लेंगे, पोर्टर भी हमारा लॉगिन है, पोर्टर बाबू कहाँ है, पोर्टर में भी ऑनलाइन है। और फिर अपन अब धीरे धीरे घर की साइड बढ़ लेते हैं, 7 बजे तक अपन घर पहुँच जाएंगे, 5-7-8 घंटे काम हो जाएगा आज, काफ़ी है इतना ही, बाकी फिर देखेंगे कुछ आता है तो रास्ते में ले लेंगे, नहीं तो अब धीरे धीरे घर की साइड ही बढ़ लेते हैं। बाइक टैक्सी दे रहे हैं भगवती गार्डन उत्तम नगर नहीं जाएंगे भाई, पिकअप ये 1.5 किलोमीटर का, ना 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 रे नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे उत्तम नगर तो दिखाओ ही मत करो मेरे को। तो भाई सेट डायरेक्शन लगाने के बाद ऊबर में एक राइड आ गई है, द्वारका से द्वारका ही लेके जानी है, 3 किलोमीटर की है, पिकअप भी 150 मीटर ही है, 110 मीटर तो पिक कर देते हैं फटाफट। ऊबर की आज की 6th राइड हमने कंप्लीट कर दी, 36 रुपये ले लिए पिकअप ड्रॉप मिला के, 3 किलोमीटर की भी नहीं थी, कमी की थी, इसमें कमीशन कट जाएगा 36 में से 2 रुपये, 34 रुपये मिल गए हमें 3 किलोमीटर के, ठीक है यार। अब 2 राइड अगर और हो जाती हैं घर पहुँचते पहुँचते तो अच्छी बात है, 50 रुपये इंसेंटिव और मिल जाएगा, नहीं होती तो कोई बात नहीं, एक इंसेंटिव तो, अरे भाई उत्तम नगर से ले जा रहा है, उत्तम नगर से नहीं जाऊँगा मैं, द्वारका की साइड से ही जाऊँगा, उत्तम नगर से गया तो भाई साहब ट्रैफिक में फंस जाऊँगा, यहाँ से 35 मिनट लग रहे हैं, उत्तम नगर से कितने लग रहे हैं, फिर इस साइड जाने वाली टाइड तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, कम ही लग रहे हैं, आने टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। चलो देखते हैं हमारी यहाँ से कोई राइड आती है कि नहीं आती, चलो दिखाता हूँ मैं आपको हमारी नेक्स्ट राइड। अरे यार अभी पोर्टर में पश्चिम बिहार का पार्सल आ रहा था 200 रुपये का, वो किसी और ने पिक कर लिया, मेरे में तो टाइमर लग रहा है, वो पिक कर लेता मज़ा आ जाता, 200 रुपये की अर्निंग और हो जाती हमारी। भाई घर जाते जाते रैपिडो का फूड का ऑर्डर पिक कर लिया और इसको उत्थम नगर से विकासपुरी लेके जाना है, 900 मीटर की दूर लेके जाना है, 1 किलोमीटर का है, तो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। लो भाई रैपिडो फूड का ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है, इसमें तो 5 मिनट लगे मुझे डिलीवर करने में, पिकअप ड्रॉप मिला के 1.5 किलोमीटर का भी नहीं था मुश्किल से, तो देखते हैं इसमें 30 रुपये मिले होंगे, तो घर जाते जाते 30 रुपये मिल गए, बढ़िया है ना, अभी गो टू होम लगा रखा है तभी इसने पास का ही दिया था, चलो एक आध कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर ही निकलते हैं यहाँ से। तो रैपिडो फूड दे रहा है भाई, अब फूड वूड नहीं करना, अब अपन अपनी जोन में आ गए हैं, और ये देखो कितना प्यारा अपना दिल्ली दिखाई दे रहा है, जनकपुरी का फ्लाईओवर है। अब अपन सारी ड्यूटी ऑफ कर देते हैं,
ऊबर को बंद करते हैं सबसे पहले, हो गया काम आज का, बस बहुत है, अब इतना ही करना है, घर पहुंच गए अपन, घर के पास ही हैं। अब रैपिडो का नंबर लगाते हैं। रैपिडो बाबू जी, आप भी, आपको भी विराम लगाया जाता है, ड्यूटी ऑफ। अरे भाई नहीं लेना, क्या है ये 7 किलोमीटर का, कितने रुपये, 49 रुपये में 7 किलोमीटर की ड्रॉप दे रहा है, क्या पागल आगल हो गया है क्या ये, छोड़ो, हाँ छोड़ो, बंद करो भाई, ये तो बैक टू बैक काम दे रहा है ऑफ ड्यूटी। रैपिडो में फूड के ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं, और पोर्टर महाराज कहाँ है, पोर्टर महाराज को भी बंद कर देते हैं। लो भैया पोर्टर महाराज, आपकी भी छुट्टी हुई आज के लिए, पर हमारी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी कितनी चली हमारी अभी तक, 7:17, और अभी घर जाऊँगा 73-75, मान लो 75 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, यानी कि 150 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा है। टोटल अर्निंग मैं आपको कैलकुलेट करके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। लो भाई ऐप में आ गए हम, 7 तारीख शुक्रवार को हमने पोर्टर के साथ 323 रुपये का काम किया, और वहीं हमने ऊबर के साथ भी काम किया था, ऊबर में हमारी अर्निंग हुई थी 282 रुपये, और रैपिडो में भी हमने एक पार्सल और एक रेफरल के हमें मिल गए थे 318 रुपये। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमारी टोटल अर्निंग होती है 318 रैपिडो, 282 रुपये ऊबर और 323 रुपये पोर्टर, लगभग 923 रुपये की हमारी अर्निंग हुई है। मेरी गाड़ी 75 किलोमीटर चली थी, उस हिसाब से 150 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा था, पेट्रोल हटाने के बाद लगभग 800 रुपये की अर्निंग होगी हमारी मात्र 7 घंटे काम करके तीनों ऐप्स के साथ। बाकी आप कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी की देखना चाहते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूनी दो, ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश सारे सारे मेरे यार।